हेलो व्यूअर्स हाउ आई यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन सो आई वेलकम बैक टू माय चैनल आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल और नमस्कार आपका मेरा चैनल पे स्वागत है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के एम्स के बारे में वैसे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में काफी कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया अपने वीडियोज में आई हैव ऑलरेडी शेयर बट स्टिल हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो होते थे क्या बेसिकली रीजन uh, होता था बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम पे किसी भी को भी एडुकेशन देना उसके पीछे क्या मकसद होता था वो हम पढ़ेंगे सो so, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन सबसे पहले तो जो एम होता था वो होता था ओवरऑल और डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बींग ओके सो दैट मीन्स कि किसी भी स्टूडेंट को, अगर वहां पे गुरुकुल में नॉट गुरुकुल मोनेस्ट्री में लाया जाता था तो उसे किस मकसद से लाया जाता था यही कि उसको एक प्रॉपर एक फुल डेवलप्ड ह्यूमन बींग बनाएंगे ओके सो so, जिसको हम बोलेंगे ऑल ओके राउंड डेवलपमेंट ओके So all round डेवलपमेंट ठीक है नेक्स्ट और क्या रीजन हो सकता है एक अच्छे कैरेक्टर को किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर डालना कैसा कैरेक्टर जैसे हम ऑब्वियसली किसी लोगों किसी भी इंसान से मिलते ना बोलते हैं हाँ यार इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है ठीक है ना तो वही कैरेक्टर की उसके अंदर गुड चीजें डालना ताकि उसका हर एक जब कोई इंसान उससे बात करे या मिले वो उसके कैरेक्टर से ही पहचाना जाए ओके सो so, एक अच्छा कैरेक्टर डालना किसी भी इंसान के अंदर कोई भी कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो कैरेक्टर एक गुड कैरेक्टर इंसान बनाना जिसके अंदर ऑल गुड थिंग्स हो ओके उसके बाद नेक्स्ट टाइम होता था रिलीजियस एडुकेशन देना ठीक है एक ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा जब ऐसा नहीं है ना कि हमने सिर्फ बुकिश लैंग्वेज बुकिश नॉलेज ले ली और हम बोलने लगे कि भाई हमको सब कुछ आता है जैसे आज के डेट में हमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसे अपने वेदों के बारे में अपने जो मान uh, लीजिए किसी भी धर्म के बारे में जिसमें आप बिलोंग करते हो सब कुछ आपको पता नहीं होगा ओके सो रिलीजियस एडुकेशन वॉज मॉस्ट एट दैट टाइम ठीक है तो दूसरा एम होता था कि पर्सन को अवेयर करना अपने रिलीजन के बारे में ओके सो रिलीजियस एडुकेशन कोई भी ग्रंथ है कोई भी किसी भी तरीके का जो रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं उसकी नॉलेज देना ओके सो दिस इज अनादर एम ओके और इस तरीके से एजुकेशन देना ताकि एक इंसान निर्वाणा को प्राप्त करे मोक्ष यू कैन से निर्वाणा यानी मोक्ष हिंदी में सो so, एक इंसान मोक्ष को पूरे तरीके से ले ले इस तरीके से ज्ञान होना वो हर चीजों से अटैचमेंट उसके बाद में रिलीजन से लगाव होना चाहिए दूसरी चीजों से अटैचमेंट जो मटेरियल चीजें हैं जो हम इस संसार में छोड़ के चले जाएंगे उन चीजों से किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बनाना ये सब चीजें और अल्टीमेटली इस जो एजुकेशन का मेन एम होता था टू अचीव निर्वाणा यानी कि मोक्ष ये सबसे इंपॉर्टेंट एम है ओके okay? उसके बाद में फोर ट्रूथ सिखाया जाता है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला था एज पर गौतम बुद्ध देव ए फोर ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड ओके सो वो सारे ट्रूथ को जानना जैसे पढ़ा था ना हमने सौरव है सौर क्यों है सौरों का रीजन ढूंढना ये सारी चीजें ओके सो आफ्टर दैट डिसिप्लिन डिसिप्लिन सिखाना भी एक एम था ओके सो डिसिप्लिन सिखाना सो so, ये सारी चीजें ये कुछ एम्स है आप जब इस चीजों को डिटेल्स में पढ़ोगे तो आप कुछ और एम्स भी इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें भी तो होती थी तो this, okay? अब अगर कोई पर्सन एक प्रॉपर तरीके से पूरी एडुकेशन लेके ओके okay, जो दोनों सेरेमनीज होती थी दोनों सेरेमनीज हो गई हायर एडुकेशन भी ले लिया सब ले लिया तो वो एक इंसान से क्या बन जाता था भिक्षुक सो so, भिक्षुक अगर बन गया है कोई भी स्टूडेंट ओके okay, तो भिक्षु बनने के बाद क्या उसे फॉलो करना है ओके okay, सो so ये चीजें होती थी बैगिंग फूड फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड है वो उसे बैग करके यानी कि भीख मांग के फूड को अरेंज करना पड़ता जिसने जो भी दान दे दिया दक्षिणा दे दी उस चीज को यूज करके वो अपना गुजारा करते थे ओके उसके बाद उन्हें येलो गार्मेंट दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट वो किसी भी तरीके के वस्त्र नहीं पहन सकते थे उनके लिए एक येलो गारमेंट होता था ओके सो वो येलो गार्मेंट को ही यूज करते थे उसके बाद रहते कहा थे ट्री के नीचे यानी कि यू कैन से फुट। कोई होता है ना हमने देखा ना पीपल का ट्री होता है बहुत बड़ा सा होता है उससे उसके नीचे बैठने की बहुत सारी जगह होती है तो उसी तरीके की जगह पे रहते थे ओके सो नेवर हैव एनी काइंड ऑफ एन थिंकिंग लाइक थेफ्ट कभी ये दिमाग में आना नहीं चाहिए कि चोरी करना ओके okay? या फिर किसी की लाइफ लेना जीव जंतु पर्सन कोई भी ओके okay? नॉनवेज जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं हम किसी जीव को मारते है ना लेकिन यहाँ पे भिक्षुक को नॉनवेज खाना यानी किसी जीव को मारना या फिर किसी इंसान को मारना या किसी को हर्ट करना ये सब चीजें भिक्षुक को नहीं करना है ओके सो अवॉइड हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद वुमेन ओके सो फिजिकल रिलेशन नहीं होना है यहाँ पे

ओके okay. जो आ, पहली सेरेमनी हुई फिर स्कूल गए फिर वहां बारह साल बिताए उसके बाद जब नेक्स्ट हुई उसके बाद जब आ, ये हायर एडुकेशन के लिए गए तो इसमें लगते हैं एटलीस्ट टेन ईयर्स टेन ईयर्स ऑफ देयर लाइफ ओके उसके बाद वो एक प्रॉपर भिक्षुक बनेंगे और फिर उन्हें ये सब लाइफ के रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे हर एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना प्रॉपर टाइम पे खाना ओके डिसिप्लिन सो डिसिप्लिन में रहना प्रॉपर टाइम पे खाना प्रॉपर टाइम पे सोना ओके सबकी हेल्प करना ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ओके सो दिस ऑल आर वेरी यू कैन से सम पार्ट विच इज लेफ्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट एजुकेशन सो ये वो चीजें हैं जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में थोड़ी बहुत रह गई थी सो होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे